राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा द्वारा रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी किशोर गजबिये को समर्थन घोषित किया गया, जिसके संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जहां राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के महासचिव रमेश पिसे ने इसकी जानकारी दी। आयोजित पत्र परिषद में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के महासचिव रमेश पिसे ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा एवं ओबीसी जन मोर्चा द्वारा रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी किशोर गजबिये, साथ ही साथ माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के फहीम सलीम खान को भी समर्थन जाहिर किया गया है। रमेश पिसे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चाचा राष्ट्रीय महासचिव या नात्याने आणि ओबीसी जनमोर्चाचा उपाध्यक्ष आणि विदर्भ अध्यक्ष या नात्याने रामटेक लोकसभेचे आपल्या सगळ्यांचे सुपरिचित उमेदवार आदरणीय किशोर गजबिये साहेब यांना समर्थन जाहीर करतो आहे। सोबतच मायनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टीचे जे आमचे फहीम शमीम खान आहेत यांनाही राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा आणि ओबीसी जनमोर्चा समर्थन जाहीर करता है। इस समय पत्रकारों के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी किशोर गजबिये ने सवाल उपस्थित किया कि कनान जैसे संभाग में प्रधानमंत्री मोदी की सभा होना कई अर्थों को जन्म देती है, जहां उन्होंने कहा कि शायद भाजपा को डर है कि शायद रामटेक से उनका भरपा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने वरिष्ठों का पाचरण किया। पहला प्रश्न रामटेक सारख्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये किंवा कनानसारख्या ठिकाणी प्रधानमंत्री मोदी साहेबांची सभा होते याचे अनेक अर्थ काढले जाऊ शकतात। तर माझ्या दृष्टीनं तो अर्थ असा आहे की त्यांना कुठेतरी भीती आहे पराभवाची, म्हणून त्यांनी कदाचित प्रधानमंत्रीसारख्या म्हणजे प्रधानमंत्री पदावरच्या भाजपच्या नेत्यांना त्या ठिकाणी पाचारण केलेलं असं। एनबीसी न्यूज के लिए मनीष टेमरे की रिपोर्ट।